नाजरी, इस तस्वीर में आप मेरे राइट तरफ जो लड़का देख रहे हैं, इसने कुछ अरसा पहले फ्लोरिडा में एक गाड़ी चलाते हुए एक माँ बेटी को कुचल दिया था, जिसके जुर्म में जब जज ने इसको सजा सुनाई, 24 साल की सजा सुनाई, तो उस वक्त की तस्वीर है, इसकी आंखें बाहर आने को थीं। ये एक अरबपति शख्स का बेटा था। इसके बाप ने इसको मिस्टिंग कार जो है वो गिफ्ट की। ये इसको 100 की स्पीड से चला रहा था जब ये एक्सीडेंट रोनुमा हुआ। यह है जिंदा कौमों की एक मिसाल। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये हैं जी नताशा दानिश इकबाल, जो गुल अहमद एनर्जी पावर प्रोजेक्ट के मालिक की बेटी हैं, और ये 7 कंपनियों की गालबन डायरेक्टर हैं और 2 कंपनियों के सीईओ हैं, जिनको कत्ल के इन्होंने नशे में धुत गाड़ी चलाते हुए 5-6 अफराद को कुचल दिया था, जिनमें से एक माँ और बाप जो है वो मौके पर जाबाक हो गए थे। तो इनको पहले पागल शो कर दिया गया था, जहनी तवाजन दुरुस्त नहीं है करार दे दिया गया था। शायद बाद में कोई प्रेशर आया या कोई कानूनी शिक जो है आड़े आई, तो अब इसका दिमागी तवाजन दुरुस्त करार दे दिया गया है और इसको शायद जेल भेज दिया गया है। मैं अरबाब इख्तियार से अपील करूंगा, खुदारा उनको इंसाफ दिया जाए, जिनकी जानें चली गई हैं। उस बाप से पूछा जाए कैसे उसने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया था, कैसे उसने इतने MBA के लेवल तक लेके आया था, चिप्स बेच बेच कर सुना है उसने अपनी बच्ची को पाला था, और दोनों बाप बेटी इकट्ठे ही इस जहां से चल बसे। मगर इनको क्या, इनके सामने तो इन लोगों की जो वैल्यू है वो कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा भी नहीं है।